एक ही मुर्गी अंडा देती है, यहाँ जो बनता है वन अंडा वो बनता है मुर्गी के, और हमारे वहाँ जो बनता है वो बतख के अंडे, बतख के अंडे। हमारे वहाँ बतख के अंडे। चमन में फूल भी मुरझाए से नजर आते हैं, चमन में फूल भी मुरझाए से नजर आते हैं, अब तो सूल भी नजरे चुराए से नजर आते हैं। वाह। अब तो सूल भी नजरे चुराए से नजर आते हैं, और मुझको गर्दिश ने क्या घेरा के सभी रूठ गए, मुझको गर्दिश ने क्या घेरा के सभी रूठ गए, अब तो अपने भी पराए से नजर आते हैं। वाह वाह वाह। रोज मेरा मेरा किया करते थे वो, जो हमसे हर बात पे हर रोज मेरा मेरा किया करते थे, चंद रोज हमसे बोले आज दिसंबर 13 है। सच में, और वैसे आज दिसंबर 20 है। धन्यवाद दोस्तों। तो बात कुछ ऐसी रही कि आज हम थोड़ा व्यस्त हो गए, जिसके कारण आज हम ब्लॉग तो नहीं बना पाए, लेकिन पिछली बार हम लद्दाख गए थे, तो लद्दाख के कुछ हमारे पास वीडियो बचे हैं। ऐसा हुआ था कि हमारे जो कार्ड था हार्ड डिस्क को करेक्ट हो गई थी, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन कुछ मुझे अभी डाटा रिकवर हुआ है, तो कुछ वीडियो मेरे पास पड़े हैं, तो आप तब तक का मेरे लद्दाख टूर का मजा लीजिए। ये हमारा सफर हो चुका है शुरू। ये हमारे दिंदा है, आगे देवेंद्र सर है, और जो गाड़ी चलाने वाला है पंकज है। तो अब हमारे सफर में क्या क्या एडवेंचर होने वाले हैं वो हमें हमारा रास्ता बताएगा। फिलहाल हम रानीखेत से निकल चुके हैं, अभी हम कौन से रास्ते जाएंगे किसी को बताया कुछ? पहले तो हम शायद हल्द्वानी से होते हुए चंडीगढ़ को, फिलहाल सोच रहे कि हम चंडीगढ़ को जाएं, चंडीगढ़ से फिर मनाली को निकले, उसके बाद फिर आगे देखते क्या होता है। बाकी ये हमारा सफर अब शुरू हो चुका है। तो रात के 12:14 हो चुके हैं, और इस समय हम ट्रैवल लगातार हमारा चल रहा है, और रास्ता भटक चुके थे और भटक चुके हैं, क्योंकि गूगल माता ने हमें रास्ता गलत बता दिया है। आगे हमारे जो नेविगेशन मास्टर बैठे हैं मिस्टर देवेंद्र सर, वो रास्ता हमें बता रहे हैं, और जो गाड़ी चला रहे हैं मिस्टर दिनेश देवतल्ला जी, जहाँ पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कहाँ ले जा सकते हैं? अपने सुर में चले हैं, देखना है जहाँ गाड़ी ब्रेक लगेंगे, और पता नहीं जगह कौन सी होगी, समझ में नहीं आ रहा है, हमें पता भी नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ये बस सुनसान रोड है, बस यहाँ पे कोई पेड़ गिरा के कोई लोग ना मिल जाए लूटने के लिए। हालांकि हमारे तल्ले जी कह रहे हैं कि चढ़ जाएंगे उनके ऊपर भी अगर कोई आएगा तो, ऐसा बाकी देखो। और भगवान की दया से हम निकले तो ले लद्दाख के लिए, लेकिन पहुंचेंगे कहां में नहीं पता है, बस अभी कोई पता नहीं है, बस ये रास्ता चल रहा है। देखो नाइट सीन, वाव। तो आपको थोड़ा सा बैकवर्ड की तरफ दिखाते हैं आगे फ्रंट में क्या है, और ये देखिए किस तरह से सुनसान इलाके में हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बता रहे, चलते जा रहे हैं, देखना है अब कहाँ मंजिल हमको पहुँचाती है। और रात भर सफ़र करने के बाद अभी हम सुबह अम्बाला पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से चंडीगढ़ कुछ ही दूरी पर है, 54 किलोमीटर की दूरी पर। हमारे ड्राइवर जो रात कई बार कमान संभाली और रात भर चलने में पीछे वो सो चुके हैं, और ये देखिए यहाँ तो बिस्तर ही बना रखा है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। जिंदा हमारे जिंदा, तीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, इनको सोने से मतलब, इनको चाहिए नींद। और हम आगे बैठे हैं, ये भाई चला रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी सुबह के 5:03, 5:03 देखते हैं मनाली, क्या मनाली कब तक पहुँचेंगे हम। मनाली बहुत दूर है अभी, अरे चंडीगढ़ ही नहीं आया। तो कैसी रही आपकी रात? पाँव में दर्द हो रही है। आप सोए भी तो टेढ़े मेढ़े करके थे, आप पूरा फोल्ड होके सो गए थे, आपको पता है आपको? और कुछ लोग कह रहे थे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ठीक है, क्या आप सही हैं? ठीक है, कहाँ पहुँचे बता दूँगे आप? चंडीगढ़ आप दूर नहीं चंडीगढ़ दूर नहीं है, नींद है अभी भी। और अभी हमारे देवतल्ला जी कह रहे हैं कि कहते हैं हम खाना खुद पकाएंगे, तो अभी हम डीकेट्रॉन को जा रहे हैं, और वहाँ से ब्यूटेन ब्यूटेन गैस का बर्नर, और ब्यूटेन का जो एक क्या होता है सिलेंडर आता है, उसको लेने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब वो कह रहे हैं हम, हालांकि वो एक सिलेंडर लेके आने वाले छोटा वाला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब अटल टनल के अंदर से हम जाएंगे तो वहाँ पर चेकिंग होती है और वो उसको निकाल लेते हैं, तो इसलिए हम ब्यूटेन के जो छोटे वाले सिलेंडर आते हैं वो लेने के लिए जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं आपके डीकेथलॉन की ओर को, और
ठीक है, तो उनको जाएंगे हम, उनसे भी मिल लीजिए। तो हम जाएंगे अब सीधे टिकट तुरंत को, उसके बाद अभी 5:30 बजे भी, लेकिन खुला थोड़ी ना होगा अभी। तो हम उससे पहले क्या करेंगे तब तक? तो हम कहीं पर लगा के चाय पानी पी के सो जाएंगे थोड़ी देर। हाँ रात उठे हम तो डीकैथलॉन के बाद से हम सो जाते हैं, अगर कुछ चाय पानी पी के। डीकैथलॉन अगर हमको गोली वोली मारी तो वहाँ से भाग जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, फायरिंग भी होती है ना वहाँ। हमारे वहाँ कैंट तो अभी हमारे साथ खेल क्या हुआ, एक भाई लोग हो सामने ना गाड़ी हो गई थी बैटरी ख़त्म, तो हमने क्या किया, हमारे पास जंप स्टार्टर था, हमने सोचा कि उनकी गाड़ी में थोड़ा जंप स्टार्टर से उसको जंप करेंगे और उनका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हमने जैसे जंप स्टार्टर लगा वो शॉर्ट हो गया, और जो हमारा जंप स्टार्टर है वो ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। तो मतलब हमने सोचा था अच्छा कि किसी का भला हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा भलाई भी घातक होती है। ज़्यादा भलाई अच्छी नहीं होती, ज़्यादा भलाई हमारे ख़राब हो जाती है। अब जिसकी हमने वो ख़राब हो चुके हैं, अब वो काम नहीं करेगा, मुझे लग रहा है कहीं वो उन लोगों की गाड़ी में आग ना लग जाए। अब क्या भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। उनकी पूरी बैटरी चौक होगी, चौक होगी, ख़राब हो चुकी है। क्योंकि और तो जो छोड़ो, हमें बहुत नुकसान हो गया, हमारा जो जंप स्टार्टर है ख़राब हो चुका है, हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। चलो जैसा होना था वैसा हो गया, और हम अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। डीकैथलॉन 10 बजे खोलेगा, जो हमारा डीकैथलॉन है 10 बजे खोलेगा। और अब हम क्या करेंगे, कुछ चाय पानी नाश्ते का फ्रेश होने का कहीं व्यवस्था देखते हैं, उसके बाद फिर आगे वो चलते हैं। और हम हैं चंडीगढ़ में, और हाँ हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जैकपुर है, चंडीगढ़ नहीं है जैकपुर। तो फाइनली ऐसा है कि हम डीकैथलॉन में जाके सामान लेने वाले थे, लेकिन हमें उसमें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो 10 बजे तक डीकैथलॉन खुलता है। तो जो दिनेश तला जी कह रहे हैं कि अभी यहाँ से निकलना में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से हाँ गर्मी बढ़ी और 8 घंटे लगेंगे हमें मनाली पहुँचने में। तो वो तो देखो जैसे आपको दिखा, रात में गाड़ी चला के और थक के पस्त हो चुके हैं। चले फिर यहाँ से? हाँ चले, चलो चलो फिर रास्ता वो अब आप बता दीजिए, मैं बता दूँ हमें। अब यहाँ से हम लेफ्ट को जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट को जाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है, हम सोच रहे हैं कि मनाली को ही निकल जाते हैं, और ब्यूटेन केस का अगर वो मिलता है तो हम वहीं से लेने की कोशिश करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए कितनी भीड़ लगी है, देखो देवेंद्र बाबू बताएंगे, देखो जाओ आगे जाओ जाओ जाओ, देखो किस तरह से गन्ने को, देखिए मशीन है और इसके अंदर हार्ट भी डाल सकते हैं, गन्ना डालते हैं, अपना गन्ना भी डाल सकते हैं। ये आप अपना भी डाल सकते हैं गन्ना, इसमें ये इससे इससे हमारे किन गन्नों का हमारे रस आएगा, गन्नों से हमारा कुछ निकलेगा, मेरा गन्ना नहीं है ना, मेरा अलग से निकलेगा, गर्म वाला गन्ना आएगा, वो विदाउट बर्फ वाला गन्ना है। ना ना मेरे गलगल है, गलगल बड़े वाले पर जो मौसम था, तो मौसम की बात मत करो, एकदम ऐसे बताओ क्या आपको क्या फील किया आपने? बहुत अच्छा फील किया, घबराना नहीं दिल की बात, तो बहुत अच्छा फील किया। तो यहाँ का माहौल हमने देखा, बहुत बहुत क्या पीसफुल था, और देखो यहाँ पर थोड़ी देर बैठी भी, तो यहाँ पर हमने गाना और म्यूजिक का माहौल हुआ, और यहाँ पर वाह आप बोलते रहे, आपको किसने रोका है बोलने से? आपको किसने रोका है बोलने से? आप बोलते हैं आपको स्वतंत्रता है, आपको अधिकार है बोलने का। हिमाचल की हिमाचल फेमस है राजमा के लिए। आपको ये ब्रेड मक्खन कैसा लगा?
ब्रेड मक्खन कहाँ खाया? बन अंडा खा के बात कैसी बात कर रहा है तुम्हें? ये नहीं बता, बन बन था और अंडा था। ये बताओ, इन्होंने इन्होंने बन अंडे को बन मक्खन बना दिया। नहीं तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप खाते नहीं है करके उसकी बेइज्जती मत करिए। हां मतलब किसी किसी अंडे और मैं बताऊंगा आपको, बन अंडा था तो बहुत ही बिल्कुल कह सकते लाजवाब टाइप था, बहुत अच्छा। खा के उसको अपने ही घर की लोकल की फीलिंग आ गई। और हम ऐसा, और तुम्हारे वहाँ अंडे और यहाँ के अंडे एक जैसे होते होंगे लगभग? मोस्टली हाँ, लगभग एक ही मुर्गी देती है क्या अंडे? एक ही मुर्गी देती है, उसके एक्सपोर्ट यहाँ की जाती है। एक ही परिवार की मुर्गी हो, एक ही मुर्गी अंडा देती है। यहाँ जो बनता है वन अंडा वो बनता है मुर्गी के, और हमारे वहाँ जो बनता है वो बतख के अंडे। बतख के अंडे? अच्छा, हमारे वहाँ बतख के अंडे। तो इतना अंतर है हमारे बतख के अंडे खाते। और ये मनाली यहाँ से कुछ 54-55 किलोमीटर बचा है, और साथ में हमारे बगल में आपके कुल्लू भी चल रहा है, और रोड काफ़ी अच्छी है। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, और अभी भी हम अपने लक्ष्य पे मनाली पे नहीं पहुंचे हैं, और हम कल शाम 4 बजे से हम घर से निकले हैं, और नॉन स्टॉप चले हैं, कहीं रुके नहीं हैं। बस एक जो हल्का सा चाय पानी पीने के लिए जो रुके हैं तो रुके हैं, बाकी हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं अभी तक कल से। और लगता है मुझे आज मनाली रुकेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे को चलेंगे। नॉन स्टॉप चल रहे हैं हम कल से, कल से चार बजे से नॉन स्टॉप चल रहे हैं। बीच में चाय पानी पीने के लिए तो खाने के लिए रुके हैं बस, आगे नॉन स्टॉप चलेंगे। नॉन स्टॉप चल रहे हैं, और अभी भी लगभग 30 किलोमीटर दूर है मनाली। हाँ, अभी पीछे एक बड़ा से बोर्ड में लिखा था 497 किलोमीटर है आपका लेह, और उसके बाद अभी देखा हमने वहाँ कितना 512 बता रहा था। 512 तो सच किसकी है हमें नहीं पता, गूगल सच है या ये लोग सच है? हाँ, अब शायद से गूगल माता ही सच कहेगी जो कहेगी। अब ये हमको कल बता लेगा कि कितना दूर है। हाँ, कल ही पता चलेगा। हमें अभी लेह की तरफ जाना था, आज मनाली रुकना है। हमारे पास समय नहीं था, अगर समय होता था हम यहाँ जरूर रुकते हैं, और यहाँ थोड़ा जो यहाँ लोकल है वहाँ पर एक्सप्लोर करते, लेकिन हमारा अभी मनाली जाना जरूरी है क्योंकि हमें कल वहाँ से लेह के लिए निकलना है। तो फिलहाल कुल्लू को हम यहीं से बाय बाय कहते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगली बार जरूर आएँ और कुल्लू में रहें, और